हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह पर कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में हमने लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा था, लेकिन अंडर सेक्शन 149 पढ़ा था। और भी कोई ऐसे सेक्शन हैं, मोर देन वन सेक्शन, ठीक है कि नहीं, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई है और वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, जिस तरह से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 कवर किया, और भी सेक्शंस कवर करते हैं और थोड़ा और नॉलेज बढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की, लेकिन कौन से सेक्शन में? 152 में। और सेक्शन 152 क्या बोलता है? फर्स्ट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट। आप जानते हैं फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट क्या होती है? जी हाँ, सही पहचान रहे हैं। हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में साफ देखा था कि कंपनी को फॉर्मेट करते समय, फॉर्मेशन करते समय, फॉर्मेट का मतलब कुछ अलग हो जाता है, कंपनी का फॉर्मेशन करने के समय जो है हमें जो है मिनिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं। यस, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डायरेक्टर। और यही जो है पूरी जिंदगी कहलाए जाते हैं, दे वर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एक टैग लग जाता है, ठीक है कि नहीं है? तो ये भी बहुत अच्छा टैग है कि यार ये कंपनी इतनी बड़ी, इस कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन था, ठीक है? तो वो पहला डायरेक्टर कैसे पता चलता है या कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय नेमिंग इन ड्राफ्टेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमको पता है फॉर्मेशन करते समय कंपनी का जो इनिशियल स्टेज होता है प्रमोशन, है ना, प्रमोशन स्टेज, उसमें हम मेमोरेंडम और आर्टिकल ड्राफ्ट करते हैं। तो आर्टिकल में प्रोविजन है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आप डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में लिखें वहां पर, है ना। तो यहां पर अगर वहां पर नाम लिख दिया गया है कि ये बंदा जो है डायरेक्टर के लिए अपॉइंट होगा, तो दैट कॉल बाय नेमिंग इन ड्राफ्टेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सपोज वहां पर नाम नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ऐसा लिखा है कि जो मेंबरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर होंगे, मतलब दोज हु आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है कि नहीं, दे हैव अ पावर टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो फिर MOA के सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, तो वो कहलाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी बातें AOA में नहीं लिखी है, मतलब आर्टिकल साइलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के जो सब्सक्राइबर है, मतलब जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स हैं, वही बाय डिफॉल्ट डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। सिंपल, क्योंकि कंपनी का फॉर्मेशन करते समय बाई डिफॉल्ट फर्स्ट डायरेक्टर होने ही चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो इनका टेन्योर कितना रहेगा? कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, आपको पता ही है फर्स्ट AGM जो है विद इन 9 months रखना पड़ता है। AGM तक, कंपनी के फर्स्ट AGM तक वो क्या कहलाए जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यस, वो बाद में भी रीअपॉइंट हो सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलो, फर्स्ट AGM के बाद जब ये रिटायर होने वाले हैं, तो वापस किसी को अपॉइंट किया जाएगा। Yes, उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का सिंपल मतलब है हर साल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। तो ये भी किसमें लिखा गया है? सेक्शन 152 में। और सबसे मजेदार बात, जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, और वो कब अपॉइंट करते हैं? जब कभी भी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होगा। तो मतलब एग्जाम्पल, फर्स्ट डायरेक्टर का कालावधि कब तक था? फर्स्ट AGM तक। तो फर्स्ट AGM जब रखा जा रहा है, वहां पर उनको रिटायर कर रहे हैं या रीअपॉइंट कर रहे हैं, तो जब जिस किसी को भी रीअपॉइंट किया या जिसे भी नई तरह से अपॉइंट किया जाए एज एन डायरेक्टर, वो कहलाएंगे सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। इज दैट क्लियर? और उनका टेन्योर कब तक रहेगा? नेचुरली अगले AGM तक, ठीक है कि नहीं है? और जब अगला AGM होगा, तो वापस से क्या किया जाएगा? डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट या एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो हमेशा AGM में जब कभी भी मेंबर जो है डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, वो रिटायर बाय रोटेशन कंसेप्ट होता है, ठीक है कि नहीं? जो पहले आया वो पहले रिटायर होगा, ऐसा कंसेप्ट है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना है कि जो मेंबर्स जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, दैट इज सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, तो जो जितना भी बोर्ड का हम लोग बना रहे हैं कि ये मैक्सिमम डायरेक्टर इतने चाहिए, उतने का सिर्फ 2/3 ही वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है? पूरे के पूरे नहीं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का प्लानिंग है, उसका केवल 2/3 जनरली। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो हमारा यहाँ पर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर भी कंप्लीट होता है एज पर सेक्शन 152। और भी कुछ है? यस, सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि देखो, पहले हमने क्या पढ़ा 152 में,
AOA के अकॉर्डिंग या फिर मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग, इतना बेसिकली बोल दूं। और हमने सब्सिक्वेंट में क्या देखा, मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो भाई मेरे, डायरेक्टर्स ही तो मिलकर काम करते हैं, तो क्या कलेक्टिव डायरेक्टर्स, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड है, क्या वो जरूरत पड़ने पर खुद भी अपॉइंट नहीं कर सकती? क्या वाकई में हर बार मेंबर्स को बुलाया जाएगा? ये तो नाइंसाफी है। एमरजेंसी बेसिस में क्या आप सोचते हो दुनिया भर में रहने मेंबर्स को बुलाया जाए? क्योंकि मेंबर्स तो अनलिमिटेड हैं, अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, लेकिन डायरेक्टर्स तो लिमिटेड ही है ना, इतने ही तो हैं, आ जाएंगे कहीं से भी फटक से, लेकिन सारे मेंबर्स आ पाएंगे? नहीं। और क्या आप बार बार मेंबर्स को बुलाओगे? नहीं। क्या आप AGM का वेट करोगे इतनी एमरजेंसी में? नहीं। तो भैया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ लिखा गया है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कि डायरेक्टर्स को बोर्ड भी अपॉइंट कर सकती है एज पर सेक्शन 161। बस बात ही आती है कि किस डायरेक्टर को। तो सबसे पहली बात, एडिशनल डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचती है कि हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें और डायरेक्टर का असिस्टेंस लगेगा, हम 5 डायरेक्टर्स जो हैं, हम 5 पांडव जो हैं, डायरेक्टरशिप नहीं संभाल पा रहे, हमें 6-7 और चाहिए, 2-3 और चाहिए, तो मेंबर को मत बुलाओ, खुद कर लो। ऐसा अथॉरिटी दिया है कहां पर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है कि नहीं? एज पर द नीड आप एडिशनल डायरेक्टर या फिर को ऑप्टेड डायरेक्टर रख सकते हैं। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट। कहां लिखा है? सेक्शन 161 में। दैट्स ग्रेट। चलो आगे, कैजुअल डायरेक्टर। ये कैजुअल डायरेक्टर का कंसेप्ट क्या है ना, कैजुअल वैकेंसी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हो जाता है, कोइंसिडेंट अनहोनी हो जाती है। तो ऐसी अनहोनी हर आम इंसान के साथ होती है, तो डायरेक्टर के साथ भी होगी। अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं तो मेरे साथ अनहोनी हो सकती है। किस तरह की? मुझे पसंद नहीं आई कंपनी और मैंने सीधा रिजाइन दे दिया, जा नहीं बनने क्या तेरी कंपनी में डायरेक्टर, चल। या फिर मैं डिसक्वालीफाई हो गया किसी गलत काम की वजह से, या फिर स्वर्गवासी हो गया, या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया, मतलब मेरा दिवाला निकल गया, मैं रोड पर आ गया। ऐसे और भी रीजन है, लेकिन ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से एमरजेंसी में डायरेक्टर की जगह खाली हो जाती है, डायरेक्टर की पोजीशन वैकेंट हो जाती है। लेकिन हमें डायरेक्टर को फिल करना है, तो आपको वहां पर डायरेक्टर फिल करना है, तो भैया आप कर सकते हो, उसे कहते हैं कैजुअल डायरेक्टर। और इनकी वैकेंसी कब तक होती है, इनकी टेन्योर कब तक होती है? सिंपल लॉजिक है, मैं अगर अचानक मुझे निकाल दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो जितना मेरा टेन्योर बचा हुआ है उतने समय तक के लिए। तो इसलिए यहाँ लिखा गया टिल वैकेटिंग डायरेक्टर्स इनकम्प्लीट टर्म। जो भी वैकेटिंग डायरेक्टर है उसका इनकम्प्लीट टर्म जितना बचा हुआ उतने समय के लिए उसको रखा जाता है। कैजुअल डायरेक्टर रखना जरूरी है। नॉर्मली अगर आप देखो, जहां इंपॉर्टेंट काम होते हैं और मैं निकल गया वहां से और मेरे बिना या किसी और पर्सन को वहां रखना जरूरी है, तब कैजुअल डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, या फिर मिनिमम डायरेक्टरशिप जो है उसको फुलफिल करने की जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर? इसीलिए एडिशनल और कैजुअल डायरेक्टर में फर्क है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। और क्या हो सकता है इसमें? अल्टरनेट डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर कैजुअल डायरेक्टर खुद से अपॉइंट कर सकते हैं, तो ठीक वैसे ही अल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। बात क्या आती है कि अल्टरनेट डायरेक्टर होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, मान लो मैं हर बार मेरा ही एग्जाम्पल दूंगा, मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, सो राइट नाउ आई एम ए ओरिजिनल डायरेक्टर, वो इज टेम्पररली अनअवेलेबल फॉर 3 months अबव फ्रॉम इंडिया। मान लो किसी कारण से मैं एमरजेंसी में बाहर चला गया और मैंने साफ कह दिया कि भाई कम से कम 3 महीना तो मेरा आना मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और कंपनी को दिख रहा है कि भाई मेरे इसकी जगह कोई चाहिए ही चाहिए। अब देखो, मैं मरा क्या? नहीं। मैंने रिजाइन किया क्या? नहीं। मैं डिस्क्वालीफाई हुआ क्या? नहीं। मैं भिखारी बन गया क्या? नहीं। तो मैं कैजुअल डायरेक्टर, मैं मेरी कैजुअल वैकेंसी नहीं है। मेरा कैसा है कि मेरी जो वैकेंसी निकली है वो टेम्पररी निकली है, कुछ समय के लिए, और वो कुछ समय क्या है? मोर देन 3 months। इज दैट क्लियर? अगर मैं मोर देन 3 months आउटसाइड रहता हूं इंडिया के, तो वो 3 महीने में कंपनी का बिजनेस कौन संभालेगा? किसी ना किसी को तो संभालना पड़ेगा, तो मेरे बदले जो आएगा वो अल्टरनेट डायरेक्टर होगा। समझा? मेरे कुछ गलत कामों की वजह से, मरने की वजह से या भिखारी बनने की वजह से, मेरे बदले अगर कोई आता है तो वो कैजुअल है,
लेकिन अगर मैं कहीं बाहर चले जाता हूँ और मेरी जगह कोई आता है तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर, इजी। और इनका टेन्योर कहाँ कब तक रहता है, सिंपल है, सिंपल है, रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक भाई मेरे सामने वाला बंदा मजे ले सकता है मेरी डायरेक्टरशिप की, ठीक है। और या फिर टिल टेन्योर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर एक्सपायर, ठीक है, जो भी नजदीक में रहेगा वो देखा जाता है। तो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर की जो टेन्योर है वो नजदीक में एक्सपायर होने जा रही है तो उतना देखा जाएगा, या फिर मेरे आने तक उसको रखा जाएगा। सिंपल लॉजिक है, इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखने के लिए एकदम आसान है। और किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं और दूसरे डायरेक्टर को सेक्शन 161 में, एज ए नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। अब नॉमिनी डायरेक्टर पहले होता क्या वो समझो। विच इज नॉमिनेटेड बाय डोमिनेंट शेयर होल्डर लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने, एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी कंपनी ने, ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी ने, या फिर मैं कहता हूं आपकी कंपनी ने, आपका एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लीजिए आपकी कंपनी ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कह लीजिए बैंक से, ठीक है, बहुत बड़ा लोन लिया है, ठीक है, बिजनेस के लिए ऑफकोर्स, अपने बच्चे की शादी के लिए तो नहीं लोगे कंपनी के नाम पर, तो बिजनेस के लिए आपने बहुत बड़ा लोन ले लिया। तो अब वो बैंक जो है ना वो देखेगा कि बॉस मेरा पैसा सही तरह से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट। तो वो बोलेगा कि मेरे बिहाफ में मेरी कंपनी, आपकी कंपनी में एक डायरेक्टर आएगा, इज दैट क्लियर और नॉट। तो वो किसको कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इस बात को मना नहीं कर पाते हैं और वो उसको नॉमिनेट कर लेते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है नॉमिनी डायरेक्टर। लेकिन ये नॉमिनी डायरेक्टर कैसे आते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है अपने ही किसी ऑफिसर को आपकी कंपनी में अपॉइंट करता है एज एन नॉमिनी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन के साथ, इज दैट क्लियर। एक जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, इज दैट क्लियर, दैट्स ग्रेट। रीजन क्या है, टू रिप्रेजेंट एंड सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट। जो मैंने कहा इतना सारा लोन लिया है तो भैया उसको पता होना चाहिए सही तरीके से पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और नॉमिनी डायरेक्टर का यही काम होता है, वो देखते रहता है पैसा बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है और बैंक को रिपोर्ट करते रहता है और बैंक निश्चिंत बैठी रहती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और इनका टेन्योर कब तक रहता है, एज रिटन इनटू एग्रीमेंट। जैसा भी एग्रीमेंट डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर के बीच में बनता है उसके हिसाब से इनका टेन्योर रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, दैट्स ग्रेट। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एज पर दी अदर सेक्शंस, अब एक साथ सारे सेक्शंस अभी आएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर अदर सेक्शन का टाइटल लगाया। तो पहला सेक्शन कौन सा है, अंडर सेक्शन 196। अंडर सेक्शन 196 भी आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर कौन सा होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी, सुना होगा एमडीएच, ना एमडीएच को भूल जाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो नाम में ही मानो ऐसे डायरेक्टर जो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, तो मतलब ये ज्यादा एक्टिव है। एज पर आर्टिकल या फिर मेंबर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये आपने देखा अभी तक हमने क्लियरली पढ़ा था, या तो मेंबर अपॉइंट करेंगे या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, यहाँ पर साफ, और या तो फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर साफ बोल दिया है तीनों में से कोई भी इसको अपॉइंट कर सकता है एमडी को। आर्टिकल में लिखा रहेगा तो वो एमडी बनेगा, मेंबर बोलेगा तो वो एमडी बनेगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा तो वो एमडी बनेगा। नॉर्मली ये वोल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहलाए जाते हैं, याद रखना इसको, वोल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नथिंग बट मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये ऑफ कोर्स डे टू डे ऑपरेशन एंड डिसीजन में इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए तो इनको मैनेजिंग या वोल टाइम या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाता है। इनका टेन्योर जो है नॉर्मली 5 साल का रहता है और मेंबर का अप्रूवल होना चाहिए उसमें कि भैया इनका टेन्योर जो है 5 साल का है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय मेंबर्स, मतलब टेन्योर के लिए मेंबर से अप्रूवल लेना ही पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपने देखा रहेगा नॉर्मली डायरेक्टर्स का कैसा था, रिटायर बाय रोटेशन था एजीएम में, या फिर जो एग्रीमेंट में लिखा गया उसके हिसाब से, या फिर जो अल्टरनेट डायरेक्टर या कैजुअल वैकेंसी है तो उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर क्लियरली बोला गया 5 साल के लिए, इज दैट क्लियर। चलो अब देखो इंटरेस्टिंग बात, सेक्शन 242 भी बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हम कर सकते हैं, हम मतलब कौन, ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसमें कंपनीज के सारे केसेस एज सून एज पॉसिबल बेसिस पर सॉल्व किए जाते हैं, सिर्फ कंपनी के मैटर्स। तो ट्राइब्यूनल भी जो है अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय ट्राइब्यूनल सेक्शन 242 कहता है। अब बात ये आती है कि एनसीएलटी
कोर्ट क्यों बोल रहा है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, तो एक सिंपल सा रीजन है, ट्राइब्यूनल को मेंबर का एप्लीकेशन आ रहा है सेक्शन 241 के बेस पर, सेक्शन 241 के बेस पर, मतलब सेक्शन 241 पावर दे रहा है मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को, कि आप जो हो मुझे मींस कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हो, इसलिए इस बेस पर कि जो कंपनी के पर्टिकुलर डायरेक्टर है वो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं संभाल रहा है, और हम चाहते हैं कि आप एक वैलिड एविडेंस के बेस पर देखें और हमें रिलीफ कराएं। हम नहीं चाहते कि ये कंपनी एक सही डायरेक्टर, एक गलत डायरेक्टर के हाथ में जावे, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम मेंबर्स अंडर सेक्शन 241 एज रिलीफ अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट। तो यहां पर जब कोर्ट को लगता है कि हाँ यहां मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो कोर्ट सीधा एक ऑर्डर पास करता है और बोलता है कि इसको खाली करने को बोला जगह, और इसकी जगह तब तक एक सही डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, और वो डायरेक्टर मैं बताऊंगा कौन होगा वो। अब इसका टेन्योर क्या होता है, नॉर्मली ऑफ कोर्स नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा, या फिर एनसीएलटी बताएगा कि कब तक वो रहेगा, है ना, इजी, दैट्स ग्रेट। और कौन है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधा बड़े भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 167 में ये पावर दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है। कब, सिंपल सी बात है, वेयर डायरेक्टर हैज वैकेटेड ऑफिस अंडर एनी स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, एक डिसक्वालिफिकेशन, एक डिसक्वालिफिकेशन की कैटेगरी है, उसमें बताया गया कि इस डिसक्वालिफिकेशन के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। तो इसमें एग्जांपल है कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, मान लीजिए कोई अपराध डायरेक्टर ने किया है और कोर्ट ने साफ साफ उसे सजा दी है, मजबूत सजा दी है, ठीक है कि नहीं है, कोर्ट ने उसे सजा दी है। तो कोर्ट ने अगर सजा दी है तो भाई मेरे एक सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्टरशिप हट गई उसकी, है ना। तो अब उसके बदले कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि ये इसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका टेन्योर कब तक रहेगा, ऑफकोर्स वो तो बीच में गया बंदा, तो टिल एजीएम, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब तक के लिए बताया है तब तक के लिए, इज दैट क्लियर, है ना इजी। चलो सारी बातें जो भी अभी हमने पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पढ़े थे हमने, तो वो सारे सेक्शन एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं ताकि हमको पता चले हम कितने पानी में हैं। चलो आ जाओ फटाफट, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स अदर सेक्शन, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सेक्शन 152 फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। चलो फटाफट, एओए याद आ रहा है, या फिर एओए बोलेगा एमओए के सब्सक्राइबर अपॉइंट करेंगे, या फिर अगर एओए साइलेंट है तो एमओए के सब्सक्राइबर डीम टू भी माना जाएगा। और टेन्योर कब तक रहेगा इनका, फर्स्ट एजीएम तक, याद है ना, फास्ट रिकैप हो रहा है। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर मतलब अब जो हर साल एजीएम में अपॉइंट होंगे वो, तो कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर, ठीक है कि नहीं है, इज दैट क्लियर। इनका टेन्योर कब तक है, नेक्स्ट एजीएम तक है, रिटायर बाय रोटेशन कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 161 में कौन सा कंसेप्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय डायरेक्टर, तो वो कौन कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, एडिशनल आपको पता कब, जब मालूम पड़ेगा कि हमें किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में एडिशनल डायरेक्टर की जगह चाहिए, एज एन असिस्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट एजीएम तक इसका जगह रहेगा। कैजुअल डायरेक्टर आपको मालूम है, किसी भी कारण से दुर्घटनावश कुछ ऐसा हो गया है डायरेक्टर के साथ, तो अब जगह पूरी खाली हो गई है, तो अगर वहां पर किसी को फिल करना है तो यस, है ना, लिखा हुआ कैजुअल वैकेंसी, तो वहां पर कब तक, जब तक कि उसका टर्म है तब तक का, ऑरिजिनल डायरेक्टर का जब तक टर्म था तब तक का। अल्टरनेट डायरेक्टर आपको मालूम है कैजुअल डायरेक्टर का उल्टा है, कि यहां पर अगर ऑरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने के ऊपर आउट ऑफ इंडिया चला जाता है तो उसकी जगह पर जो आता है उसे अल्टरनेट डायरेक्टर कहते हैं। तो उसकी जगह कब तक के लिए रहेगी, जब तक वो वापस ना आ जाए, या फिर उसका टेन्योर खत्म हो रहा है ऑरिजिनल डायरेक्टर तब तक, सिंपल लॉजिक है। नॉमिनी डायरेक्टर आपको पता ही है, नॉर्मली मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बहुत बड़ा लोन है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकमेंड कर सकता है अपना डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर क्या करता है, उसके रिकमेंडेशन पर उसको अपॉइंट करता है, इसीलिए उसको कहा जाता है नॉमिनी डायरेक्टर, क्योंकि वो बैंक के बिहाफ में आया है, ठीक है। इसके लिए बैंक ने उसको नॉमिनेट किया है कि मेरे बिहाफ में ये आएगा, इसीलिए इसको कहा गया है नॉमिनी डायरेक्टर, सिंपल बात है। चलो, तो बताता है वो कि आपका पैसा सही लग रहा है गलत लग रहा है, इसके लिए बताता है। और टेन्योर ऑफ कोर्स एज पर द एग्रीमेंट। अब बिखरे हुए और सेक्शंस हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर अंडर सेक्शन 196, मेंबर, आर्टिकल या फिर डायरेक्टर से अपॉइंट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर कितना है, 5 साल का है, ये आपको पता है ना, डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, वोल टाइम या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही MD कहते हैं।
उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 242 बाय ट्राइब्यूनल। कैसे? जब कभी भी मेंबर्स को लग रहा है कि कंपनी की मिसमैनेजमेंट हो रही है, कंपनी गलत डायरेक्टर के हाथ में जा रही है, तो वो सेक्शन 241 के बेस पर ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ट्राइब्यूनल जब सारी चीज देख लेगा, उसको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल अपने बिहाफ में एक डायरेक्टर को अपॉइंट करता है ना, और दूसरे डायरेक्टर को निकलवा देता है। तो यहाँ पर का टेन्योर ऑफकोर्स या तो नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा या तो जैसा ट्राइब्यूनल बोलेगा वैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है एज पर सेक्शन 167, और यहाँ पर साफ बोला गया कब, अगर स्पेसिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उसके कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हैं स्पेसिफाइड, वही बेस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पर जो है मैं जो बोलूँगा वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर कि जैसे अगर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और वो बंदा अपराधी है और उसे सजा हो रही है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आती है और बोलती है कि मैं तब तक के लिए आपकी जगह इसको रखूंगा और आपकी कंपनी सही तरह से चलेगी, आपकी कंपनी को नुकसान नहीं होगा। तो उसका टेन्योर भी कितना होगा, नेक्स्ट एजीएम तक होगा या फिर जितना स्पेसिफाई किया है। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।